नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। झारखंड के मजदूरों को मिलेगा रोजगार। जी हां, झारखंड के रांची जिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को रोजगार देने की बात कही और कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय ज्यादातर मजदूर भाइयों को रोजगार की समस्या हो गई है, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार प्रवासियों मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया करवाएगी। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद सहनवाज की रिपोर्ट। किस किस क्षेत्र में हमारे लोग एंगेज होंगे, इसकी एक छोटी सी पहल हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। मुझे लगता है कि इसका गवाह आपको कल खुद बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको हम और कितने बेहतर तरीके से फ्रेम कर सकते हैं वो हमारा प्रयास है। अभी ये शुरुआत है और अभी आगे कई चीज़ें ऐसे ही आपके सामने आएंगी जो राज्य के लोगों के लिए, राज्य के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और व्यापारियों के लिए सरकार कई व्यवस्थाएं तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से हम अपने राज्य में रोजगार के नए आयाम खोलने की तैयारी में। सर, असल कितने ट्रेनिंग जाएंगे कल का तो शेड्यूल है, आगे कितनी ट्रेनें जाएंगी ये आपको समय आने पर थोड़ा विस्तृत रूप में और भी जो इससे जुड़े लोग हैं उनके साथ आपके समझ पाते रहेंगे। सर, क्या उनके मजदूरों की गारंटी होगी? एमओयू किया था? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जब ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होकर आपके सामने आएंगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने बातों को रखा जाएगा। संभवतः यह पहला उदाहरण होगा जब बीआरओ जैसे संगठन के साथ राज्य सरकार समझौता करती है। ये मुझे लगता है देश में ये पहला कदम होगा जो मजदूरों के हक अधिकार को लेकर एक नीतिगत तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से और निर्भीक होकर लोग स्वेच्छा से अपने रोजगार को चुनेंगे। सर, यहाँ के बीआरओ के एडीजी से क्या बात है? सर, यहाँ के मजदूर कहाँ कहाँ काम करेंगे? अब उनसे भी कुछ बात आप जानिएगा, वो आ गए हैं, अब वो भी साथ में रहेंगे इस कार्यक्रम में। अब इस विषय पर मैंने पहले भी कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से भी और कैसे संबोधन में लड़खड़ाते रहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। जी हां, झारखंड के रांची जिला में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की योजना को वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे, मगर इस बीच रघुवर दास कई बार बोलते हुए लड़खड़ा के स्क्रिप्ट देखकर भी रघुवर दास ठीक से नहीं बोल पाए। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को भी रघुवर दास ने मस्मी कहकर संबोधित किया। उधर कश्मीर का जिक्र करते हुए भी रघुवर दास नारा भूल गए। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद सहनवाज की रिपोर्ट। दूसरी ओर मोदी सरकार ने एमएसएमई के 700 से अधिक इकाइयों को 3.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। दोबारा सत्ता में आते ही जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया और हम सब नारा वर्षों से लगाते थे, जहां वह बलिदान मुखर्जी हो कश्मीर हमारा।
सरकारी भूमि में हो रहा बालू का अवैध खनन। जी हां, सोनभद्र जिला के जुगैल थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत घोरिया में जोरों पर बालू का अवैध खनन हो रहा है, जिसमें खनन विभाग व राजस्व विभाग को अवैध खनन से लाखों रुपए की हानि भी हो रही है। ग्राम समाज के जमीन में बना सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालू माफियाओं का अड्डा बना हुआ है, जहाँ सरकार करोड़ों रुपया लगाकर स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है। वहीं बने सरकारी भवन के अंदर भी अवैध बालू खनन कराया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से जमीन को अपना बताते हुए पर ट्राली बालू का पैसा भी लिया जाता है। रात 10 बजे से अवैध बालू खनन का कार्य शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक चलता रहता है। आइए देखते हैं घोरिया से हमारे संवाददाता अनुपम की रिपोर्ट। कोरगी बालू साइट पर नदी में तैरता हुआ युवक का मिला शव। जी हां, यूपी के जनपद सोनभद्र के दुंदी कोतवाली इलाके के कोरगी बालू खनन साइट पर एक मजदूर का शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। मृतक मजदूर की पहचान गोरख सिंह गौड़ उम्र 35 वर्ष पुत्र मदन गौड़ निवासी पीपरडी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाने लगे। हालांकि मौके पर ध्वंदी विधायक हरिराम चेरो, एसडीएम ध्वंदी व ध्वंदी कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि लगभग 20 दिन पहले ध्वंदी कोतवाली क्षेत्र के ही नगवा बालू साइट पर भी इसी तरह एक मजदूर का शव मिला था, जिस पर अभी मजिस्ट्रेटरी जांच चल रही है। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि हत्या करके शव को फेंका गया है और यह आरोप खनन व्यवसायियों के ऊपर लगाया जा रहा है। जबकि मौके पर पहुंचे विधायक ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जांच का विषय है कि मृत्यु कैसे हुई और जांच में यदि यह पाया जाता है कि इसमें किसी के द्वारा हत्या की गई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जबकि पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरगी बालू साइट पर आज सुबह एक शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, इसके साथ ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की है। हालांकि बालू की खादानों पर संदिग्ध अवस्था में मिलने वाले शव की वजह से यह मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। पत्थर की खदानों पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन बालू की खदानों पर हादसे होने की संभावना कम होती है। ऐसे में खदान के शव मिलना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। दोपहर 4 बजे जिलाधिकारी सोनभद्र और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र कोरगी बालू पर घटना मौके पर साइट का जायजा लिया। इसके दौरान नदी से सारी गाड़ियां पोकलेन हटा ली गई और सन्नाटा पसरा हुआ था। आइए देखते हैं सोनभद्र से हमारे संवाददाता अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। अभी तो कोरगी बालू साइट पे हम जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, आप लोग भी सुबह से शायद हैं। जैसे हमको सूचना मिला, हम तत्काल जो है पुलिस अधीक्षक से बात किए और जिला अधिकारी से बात किए। अभी लाश मिला है, डेड बॉडी अभी पानी में ही है और सीओ साहब, एसडीएम साहब और संबंधित पुलिस विभाग के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें जांच का विषय है, जांच में अगर किसी प्रकार का कोई हत्या या उस तरह के मामला आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। और जो मृतक है उसके पिताजी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, बालू साइट के जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर हमें शंका है। हमने कहा है कि तत्काल जिसके ऊपर भी आपको शंका है आप एफआईआर दर्ज कराइए, तहरीर दीजिए, मुकदमा दर्ज होगा। एक टीम जिलाधिकारी से कह करके पोस्टमार्टम के लिए हमने बात किया है और संयुक्त तीन डॉक्टरों की टीम जो है इसका पोस्टमार्टम करेगी और जो पोस्टमार्टम में आएगा उसके खिलाफ जैसा भी होगा, जो भी जांच के विषय में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और इसी तरह के अभी दो हफ्ता पहले जो है नगवा बालू साइट पर भी एक डेड बॉडी मिला था, उसमें भी जो है काफ़ी गांव वाले हंगामा किए थे और मेरे यहां जब मामला आया तो एक टीम जो है जिले से हम गठित करवाए थे जिलाधिकारी से कह करके, और उसमें जो है वहाँ के बालू साइट के कुछ लोगों के ऊपर नामजद FIR हुआ है और उसी तरह के ठीक संदिग्ध मामला ये है, ये जांच का विषय है और इसमें निश्चित रूप से हम पूरा तत्परता से इसमें कार्रवाई कराएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। जैसे आरोप है यहाँ के मजदूरों का कि यहाँ रात को भी बालू साइड चलती हैं, तो इस पर क्या चीज़? देखिए, रात के
बालू साइड निश्चित रूप से इस समय तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी एक हफ्ता पहले जो है यहाँ हम भी निरीक्षण किए थे। बालू साइड रात्रि में चलता था, इस पे मैं मुख्यमंत्री जी को और संबंधित को लिखा पढ़ी के माध्यम से हमने बताया था। 8 तारीख को धरना भी था, लेकिन 3 तारीख के जैसे हम मौके पर आए तो यहाँ पे न तो एक पोकलेन मिली और न ही कोई जेसीबी मशीन, न ही कोई ट्रक लोडिंग हो रहा था। हमारे साथ जिले की टीम थी और रात्रि में जो खनन हो रहा है निश्चित रूप से वो अवैध है, इसके लिए हम पुरजोर विरोध भी किए थे। अगर जिला अधिकारी हमको परमिशन दिए होते तो निश्चित रूप से हम धरना के माध्यम से आप लोगों को और क्षेत्र की जनता को और माननीय योगी जी को बताते, लेकिन मुझे धरना का परमिशन नहीं मिला। कुछ अवैध कार्य मेरे जानकारी में मतलब आया है कि यहाँ अवैध कार्य होता है, उसके खिलाफ मैं निरंतर लड़ रहा हूँ। और इसी तरह के अगर किसी भी प्रकार का अवैध काम कार्य में कोई लिप्त पाया गया यहाँ के ठेकेदार या कोई भी संबंधित, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। आए दिन यहाँ पर बालू साइडों पर मजदूरों का 100 मिलते जा रहा है, इस पर आपके द्वारा क्या कदम? आए दिन नहीं, अभी केवल 200 मिला है, तो 200 भी दो लाश डेड बॉडी मिला है, बहुत बड़ा बात है। आए दिन के मतलब प्रतिदिन या जैसे कह लीजिए हफ्ता में, अभी तक केवल 2 बॉडी मिला है, एक नगवा में एक यहाँ पर। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है, जांच का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नगवा बालू साइड पे टीम गठित करा करके हमने FIR करा दिया है। यहाँ भी FIR मृतक के पिताजी अगर या उसका कोई भी परिजन अप्लीकेशन आज देगा तो निश्चित रूप से FIR होगा, और चाहे कितनों बड़ा ठेकेदार होगा या माफिया होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। डोंगिया नाला में नहाने गए युवक का मिला शव। जी हां, यूपी के सोनभद्र पिपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोंगिया नाला में नहाने गए 2 नाबालिग, एक के डूबने से नगर में मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि सुबह लगभग 7 बजे 2 लड़के नहाने गए और दोनों डूबने लगे, जिसे फारूक नाम लड़के को बचा लिया गया जिसकी उम्र 15 वर्ष है, और दूसरा पवन कुमार की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक पवन कुमार की लाश को बाहर निकाला गया, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। यह दोनों लड़के रेणुकूट रेलवे स्टेशन के पास के रहने वाले थे। थाना पिपरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डोंगिया नाला रिहंद बाद में नहाने गए 2 बच्चों में से एक बच्चे की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पिपरी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को पानी से निकाल और उसकी शिनाख्त कर पवन कुमार राय पुत्र रजनीश राय निवासी रेलवे स्टेशन रोड थाना पिपरी सोनभद्र उम्र 17 वर्ष के रूप में किया गया था, तथा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा दी गई। आइए देखते हैं सोनभद्र से हमारे संवाददाता अशोक चौबे की रिपोर्ट। रजनीश राय, आपके जो लड़के थे ये क्या नाम था लड़के का? पवन कुमार। तो ये कितनी उम्र होगी इनकी? 17। कितना कहाँ रहते थे ये? रेलवे स्टेशन पढ़ता था ये लड़का? पढ़ता। कैसे ही आया, कुछ जानकारी? बगल पड़ोसी का लड़का था, रोज ये रेलवे स्टेशन अपना जिम करने के लिए आता था। अब वो बाला फुसा कर कैसे लेके आया, अब वही जानता है। हम तो कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे हैं। ये बड़े थे छोटे? बड़े थे। कितने पढ़ते थे ये? इंटर में। ये सुबह 7 बजे थाना पिपरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के रेणुकूट के रहने वाले 2 बच्चे डोंगिया नाला एक वहाँ पर जगह है, वहाँ पर नहाने गए थे, जिसमें एक बच्चा पानी में डूब गया है। मौके पर फौरन भारी पुलिस बल के साथ में SHO पहुँचे और गोताखोर को बुला करके जो लड़का डूब गया था उसकी बॉडी निकालने का प्रयास किया गया, उसकी बॉडी बाहर आ गई है। जो मृतक है उसकी पहचान हो गई है, 17 साल का युवक है। उस जो साथ में दूसरा उसका मित्र था उससे जानकारी हुई तो उसने बताया कि दोनों लोग सुबह में वहाँ पर नहाने गए थे और पानी गहरा होने के कारण से जो युवक है वो अंदर गहरे में पानी में चला गया और डूब गया। इसके बारे में वहाँ पर जो हमारी फोर्स है उसको बॉडी को कब्जे में लेकर के आने वैधानिक कार्रवाई की जा रही, अभी तक उसमें कोई ऐसी तहरीर उनके परिवार वालों ने नहीं। ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए आप हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।